हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है पीयू मीट से रिलेटेड और पीयू लीड से रिलेटेड, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है। पूछ रहे हैं भैया, काउंसलिंग चल रही है, उनकी चॉइस फिलिंग अभी नहीं हो रही है, वो काफ़ी परेशान है स्टूडेंट, काफ़ी डाउट है उन्हें कि वो होशियारपुर की CSE लें या चंडीगढ़ की सी। तो आज की इस वीडियो में फाइनल कट बात होगी। सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग में चंडीगढ़ की CSE भरिए, फिर उसके बाद CCET के भरिए CSE, फिर उसके बाद यहाँ होशियारपुर की CSE फिल करिए। अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है, मतलब किसी स्टूडेंट का कि CSE यहाँ होशियारपुर की सही होगी या EC वहाँ की चंडीगढ़ की सही होगी, तो मैं बता दूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या IAS का एग्ज़ाम देना है, तो आप वहाँ की ECE ले लीजिए, नो डाउट। अगर आपको कोडिंग में जाना है तो आपको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर ब्रांच के बाद आपको कोडिंग भी करनी होगी। काफ़ी कम टाइम मिल पाएगा और सेकेंड ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगी। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तभी लें आप ECE वहाँ की, नहीं तो आपको कोडिंग करनी है तो CSE आप ले सकते हैं होशियारपुर की। बाकी अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए, चंडीगढ़ में रहना है, तो आप वहाँ की ले सकते हैं ECE। फिर भी गाइज, अगर आपको एनी डाउट हो, कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड मुझसे बात करनी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सही गाइड कर दूंगा। बाकी नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी जाइए, एंजॉय करिए और अपने मतलब सोच समझ के लीजिए, ब्रांच सेलेक्ट करिए, ठीक है। और कॉलेज तो प्रेफरेंस पे चंडीगढ़ फर्स्ट है, फिर होशियारपुर आता है, वो तो जानते होंगे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में अभी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, कोई डाउट होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।